हेलो गाइस, सो वेलकम टू यू रंजन स्टडी सेंटर। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास टेंथ का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके बिहार बोर्ड 2020 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका जानकारी आपको तुरंत ही मिल जाए। तो गाइस, आज बताएंगे आपको हम 10 से, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता दिया हूँ 1 से लेकर 9 तक ले, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ 10 से लेकर 20 तक। तो गाइस, आइए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, ये आपके बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में 100 नंबर का और क्वेश्चन है तो आपके बिहार बोर्ड में 50 नंबर केवल ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसलिए इसको याद रख लीजिएगा, कोई ठीक नहीं है कि इसमें से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो गाइस, आइए देखते हैं कि आप कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है। तो गाइस, आपका क्वेश्चन है कि 10 नंबर, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर महानगर। आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर महानगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर मयूर, यानी कि मयूर सी नंबर आपका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर अनवीकरणीय। आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर अनवीकरणीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो आपका सही आंसर होगा बी नंबर रेगुर मृदा। आपका सही आंसर होगा बी नंबर रेगुर मृदा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर पंडित नेहरू ने। आपका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर लोहा को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो आपका सही आंसर होगा सी नंबर, आपका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर तारापुर। आपका सही आंसर होगा ए नंबर तारापुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर चावल। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर चावल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस राज्य में, यानी कि किस नगर में स्थित है। बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर पटना में स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 2, यानी कि बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकतंत्र में निम्नलिखित में से एक कौन राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। लोकतंत्र में निम्नलिखित में से एक कौन राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। तो आपका सही आंसर होगा, डी नंबर जनता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो आपका सही आंसर होगा 1989। आपका सही आंसर होगा ए नंबर 1989। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताड़े विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। ताड़े विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत से शुरू किया गया। तो आपका सही आंसर होगा ए नंबर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो आपका सही आंसर होगा बी नंबर सन 1948 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना की स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ। तो आपका सही आंसर होगा बी नंबर 2002 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के थे,
अमेरिका के रहने वाले व्यक्ति थे अब्राहम लिंकन। तो गाइस आज के लिए यहीं तक। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।